हाँ जी शाबाश, क्योंकि इसकी रगे जान मार है। नंबर छह खड़ा हो जाए, यह मोनोकॉट है। इसकी इसके बीज के अंदर एक दाल होती है। शाबाश नंबर सात खड़ा हो जाए। इसकी चार पत्तियां हैं, ये डाइकॉट है। नंबर आठ खड़ा हो जाए। ये डाइकॉट है क्योंकि इसके बीच के अंदर दो दल हैं। आप सब बच्चों ने भी जो करेक्ट आंसर देकर, अच्छे जवाब देकर बहुत ही अच्छे तरीके से इस टॉपिक को समझा है। अब मैं इस टॉपिक को क्लोज करता हूँ। एक दफा इसकी समरी आपको बता देता हूँ। आज आपने मोनोकॉट और डाइकॉट जो है उनके दरमियान फर्क पड़ा है। मोनोकॉट जो होते हैं इनके अंदर एक दाल होती है, ये आप नजर आ रही है एक दाल ब्लू कलर की जो होती है, ठीक है। जो डाइकॉट है इनके अंदर दो दालें होती है। जो मोनोकॉट है इनके पत्ते की रगे मतवाजी होती है। आपने गंदम और घास के पत्ते देखे हैं, उनकी कॉम्बिनेशन होती है, जो रगे होती है बिल्कुल सीधी होती है, मतवादी होती है, ठीक है। जो ये डाइकॉट्स हैं इनके पत्ते की रगे जालनुमा होती है, जाल की तरह आगे से आगे फैलती जाती है, ठीक है। नंबर तीन, जो मोनोकॉट के फूल होते हैं उनकी जो पत्तियां होती है तीन होती है, या तीन का हिसाब, तीन का टेबल, तीन छह नौ बारह पंद्रह, ठीक है। इस तरह ये देखें, ये तीन है इसलिए मोनोकॉट है। और ये जो डाइकॉट्स है इनमें फूल की पत्तियों की तादाद चार या पांच का हिसाब होती है, एक दो तीन चार, इसका मतलब ये डाइकॉट है। चार आठ बारह, चार का जो टेबल है, इसी तरह पांच का, पांच दस पंद्रह, ये सारे के सारे डाइकॉट, ठीक है। क्लियर होगी आपको इस बात में, उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे तरीके से इसको समझा होगा और आप अच्छे तरीके से इसको कल याद करके आएंगे, ठीक है। ये मुतलका डायग्राम आपकी बुक के अंदर भी बनी हुई है, आपने उनको उधर देख के बनाना है और इनके दरमियान जो फर्क है वो क्लियर करके अपनी नोटबुक पर अपना होमवर्क करके